जिन्होंने बहुत कम उम्र से अपनी आवाज़ को साधना शुरू किया। फिर उनके इस फनी सलाहियत को इनके पहले गुरु दीपिका चौरसिया ने परखा। इसके बाद इन्हें एक नया रंग मिला। मैंने तेरी आँखों में पढ़ा अल्लाह ही अल्लाह, मैंने तेरी आँखों में पढ़ा अल्लाह ही अल्लाह। गुरु रामचरण लश्करी और उस्ताद सलीमुल्ला वाले जैसे गुरु और उस्तादों ने उनको गजल गायकी के फन की बारीकियां बताई और मशहूर गजल गुलकार पंकज उदास ने इन्हें मुंबई में मुनक्किदा सालाना कंसर्ट खजाना में सिर्फ 20 साल की उम्र में गजल गायकी का मुजहरा पेश करने का मौका अता किया, जिसे हिंदुस्तान भर के गजल गुलकारों ने इनकी आवाज और अंदाज की काफी सताइश की और वो हैदराबाद के मशहूर म्यूजिक कंपोजर राम अवतार जी को अपना गॉडफादर मानते हैं और इनके तैयार करदा कई गजलों के एल्बम्स के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं। बहरहाल देवाकर मीना ने गजल और संगीत के चाहने वालों के दिलों में वो जगह बनाई जिसके जरिए इनकी गाई हुई हर गजल को शायकीन दादो तहसीन से नवाजते हैं और तालियों की गूंज से इनका इस्तकबाल भी करते हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं गजल की दुनिया के ताबिंदा सितारा दिवाकर मीना से। अभी जो धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद कर के रोया है। एक ऐसे शख्स को ऐ दोस्त तूने खोया है, जो तेरे साथ है साथ तेरे साथ रोया है। तेरी खुशबू का पता का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू करती। दिवाकर मीना जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत नमस्कार और सियासत टीवी के सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार, बहुत धन्यवाद। दिवाकर मीना जी, शुरुआत हम यूं करेंगे कि आपके खानदान में कोई भी संगीत घराने से नहीं है, इसके बावजूद भी आपको ये लगाव कब और कैसे हुआ? देखिए, बचपन से ही प्रोफेशनली हमारे ख़ानदान में तो म्यूज़िक नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी और नाना जी मंदिर में हम लोग बैठना उठना हमारा होता रहता है, तो वो जो संगीत होता है सुबह 4 बजे से मेरे दादाजी के साथ मैं बैठा करता था, तो वो उसी टाइम से कानों में गूंज रहा है। और इसी के साथ जब मैं स्कूलिंग मेरी हुई तो वहाँ पर म्यूज़िक का अच्छा माहौल मिला और वहाँ से शुरुआत हो गई बस। अच्छा, तो बाकायदा तौर पर आपको कोई संगीत घराना नहीं मिला जी, इसके बावजूद भी आपको सिर्फ आपके दादाजी या फिर आपके नाना जी के साथ जो साथ रहा वही इंटरेस्ट आपको यहाँ तक ले आया जी। वो इंटरेस्ट के अलावा भी जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी तो CBSE स्कूल में मैं पढ़ा हूँ ब्यावरा के, गांव से थोड़ा सा नज़दीकी है, तो वहाँ पर म्यूज़िक का अच्छा खासा माहौल था और उस माहौल का थोड़ा सा इफ़ेक्ट मुझे पड़ा कि
दीपिका चौरसिया में मेरी जो पहली गुरु हैं, जिनका बहुत मार्गदर्शन आज भी रहता है, तो उनने ये जो मेरे अंदर जो टैलेंट था उन्होंने ही पहचाना, और उन्होंने ही इस चीज़ के लिए मुझे फोर्स कह सकते हैं, और वो ही आज भी बहुत सपोर्ट करती हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि आप जिस उम्र में रैप सिंगिंग या फिर यूं कहेंगे पॉप या वेस्टर्न म्यूज़िक के बजाय आपने गज़ल गायकी को क्यों चुना? मेरा मानना यह है कि जो चीज़ आपके दिल को सुकून दे, चाहे आपको वो पॉप म्यूज़िक सुकून दे या रैप म्यूज़िक जो भी हो, मुझे बचपन से ही जो फिल्मी संगीत कह लीजिए या पुराने ज़माने का संगीत, तो उस वो चीज़ सुन सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना करता था मैं पहले, और उनके ही गाने से मैंने शुरुआत की, तो ये चीज़ मेरे दिल को सुकून देती है, इसलिए बस गाना अच्छा लगता है और इसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है। कभी पॉप म्यूज़िक ने मुझे रिझाया ही नहीं। अच्छा, तो वो एक वजह है। चलिए, आपने जब मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र किया तो वो कौन सा गाना रहा होगा, हमारे ऑडियंस को जरूर 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 जरूर। तुम मुझे हो भुला ना पाओगे, तुम मुझे हो भुला ना पाओगे, जब कभी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हो तुम मुझे। क्या बात है, बड़ा ही ज़बरदस्त। आप गज़ल के साथ साथ बहुत अच्छे सिंगर को भी इमिटेट करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। दिवाकर, एक बात है कि रागों की तालीम, आवाज़ को साधने की जो तालीम है, जो बंदिशें हैं जो गाई जाती हैं, ये सब जो पलटे वगैरह किस गुरु से आपने सीखा? स्कूल टाइम पे तो दीपिका चौरसिया मैम से मैं सीखता ही रहता था, क्योंकि स्कूल में इतना टाइम नहीं मिल पाता आपको कि आप एक बाकायदा, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है वहाँ पर, उनसे तो जितना मिलता था वहाँ पे मिलता ही था। लेकिन फिर दीपिका मैम के थ्रू मैं मिला हूँ पंडित रामचरण लश्करी जी। अच्छा, ब्यावरा के पास में राजगढ़ है, तो उनके पास बैठ बैठ कर और उनकी डांट खा खा कर बहुत कुछ सीखने को मिल ही जाता था वहाँ से। और राहुल लश्करी भैया थे, उनके पोते हैं, तो इन अच्छी संगत में बैठना उठना ऊपर वाले के क्रम से हुआ है। तो पंडित रामचरण लश्करी जी जो मेरे गुरुजी हैं, और दीपिका चौरसिया मैम, ये दो शख्सियतें ऐसी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे शास्त्रीय संगीत में। अच्छा, सीखने में। ओके, तो आपको जो बंदिशें उन्होंने सिखाई है जी, कुछ अगर आपको याद आती हैं तो आप जरूर थोड़ा सा हमें बताएं। जरूर जरूर जरूर। सखी करना परत मोय घर पर छिन रे, ए दिया दीपिया बिन। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू। बहुत बड़ी बात है, जबरदस्त। आपने बंदिश जो आपके गुरु ने सिखाया। चलिए, एक बात है कि भाई सुर ताल रागों का ज्ञान, सुर का आनंद तो आपको हो ही गया, लेकिन आपको कब एहसास हुआ कि आप गज़ल भी गा सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरेस्ट तो शुरू से ही था ही, और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, थोड़ा देहाती इलाका गांव का एरिया है, तो वहाँ पे गज़ल को जानने वाले लोग नहीं है, हम लोग गज़ल बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि अच्छा, खड़ी बोली है। लेकिन मुझे 2010 से मुझे याद है, जब मैं गुलाम अली खान साहब को मैंने पहली बार सुना था, उस टाइम से मुझे वो गायकी थोड़ी अट्रैक्टिव थी, मुझे ऐसा लगा मेरे कानों को, पता तो नहीं था कि ये है क्या, तो उसी टाइम से सुनना मैंने शुरू किया। फिर खान साहब, मेहदी हसन साहब, जगजीत साहब,
इन लोगों को मैंने सुना तो देखा कि यार ये गायकी हम इसको अपना सकते हैं या ये मेरे लायक है, क्योंकि क्लासिकल एक बहुत डीप चीज़ हो जाती है और उस टाइम इतनी समझ थी नहीं, तो जो सिंपल लगा और जो सुकून जिस चीज़ से मिला बस वही लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात है कि भाई जब आपने गुलाम अली साहब को पहली मर्तबा सुना जी, तो वो कौन सी गज़ल रही होगी जी जो आपने गज़ल गायकी की तरफ ही रुख कर लिया? बिल्कुल, गुलाम अली खान साहब का नाम लेते हैं तो उनकी एक सबसे पॉपुलर गज़ल वो मैं आपको सुनाता जो मैंने पहली बार सुनी थी। लेकिन एक चीज़ जिस तरह आपने बताया कि भाई खड़ी बोली बोलने वाले जी, आपके गांव के लोग, आप जहां से आते हैं, लेकिन आप इतनी अच्छी उर्दू, इतना अच्छा तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो गज़ल में आप करते हैं, इसकी अहम वजह क्या है? इसकी अहम वजह हैदराबाद ही एक्चुअली। अच्छा जी, गज़ल तो मैं गाता ही था लेकिन उस टाइम उर्दू का ऐसा नॉलेज नहीं था कि गज़ल गायकी में, मेरे अंदाज में पहले सुर प्रधान गज़ल में मानता था कि सुर प्रधान, तलफ़्फ़ुज़ का तो पता नहीं था, ये तलफ़्फ़ुज़ कहना भी मैं कुछ दिनों पहले ही सीखा हूँ, कुछ अच्छा, सालों पहले ही। अच्छा, तो जब मैंने गज़ल गाना शुरू किया और राव तार सर से मेरा कांटेक्ट हुआ, अच्छा, तो किस्मत की बात ये रही, ऊपर वाले का ये करम रहा कि गलतियाँ बताने वाले लोग मिले मुझे। अच्छा, ये मेरा किस्मत की बात रही। अच्छा, तो जहाँ पे राव तार सर से बात करना होता था, रोज़ बात होती रहती है आज भी, तो उनसे बात करता था तो बस एक ही चीज़ बोलते हैं यार कि सब ठीक है, बस थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन और उर्दू का तलफ़्फ़ुज़, अब ये पता नहीं था कि उर्दू कैसे सीखें। अच्छा, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे कौन सिखाए उर्दू, क्योंकि वहीं के लोगों को ही नहीं पता तो वो कौन सिखाएगा। सही बात। लेकिन यह है कि संगत की रंगत, सर से बात करते करते उन्होंने टोका और अच्छे अच्छे जो लोग, अब सर के थ्रू अच्छे लोगों से कांटेक्ट हुआ जो उर्दू के जानकार आपके हैदराबाद के ही, और गलतियां बताने वाले लोग मिले, तो वो करते करते मुझे आज भी नहीं पता कि मेरी कितनी उर्दू साफ है या नहीं है। अच्छा, बस ये कि आप लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज़ है, आप मुझे ये बताइए कि हर कलाकार की ज़िंदगी में जी, एक गाइडिंग स्टार होता है, आपकी ज़िंदगी में कौन रहा, कब रहा, आप बताइए। गाइडिंग स्टार सबसे पहले तो मेरी जो दीपिका मैम है, आज भी दीपिका चौरसिया मैम जो है मेरी पहली गुरु, आज भी हर चीज़ में गाइड करती हैं वो, बात होती रहती कि जब भी मैं कहीं अटक जाता हूँ तो सबसे पहले उनका ही ख्याल आता है, और सबसे बड़ा गाइडेंस रहा है मुझे राव तार सर का, हर चीज़ में, आप किसी चीज़ में कह लीजिए, चाहे वो गायकी हो या मेरे रहने में हो, हर चीज़ में, क्योंकि मुझे इतना प्रोफेशनलिटी में मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इतना गाइड करते हैं वो हर चीज़ में ही, चाहे वो मेरे कपड़े पहनने से लेके हो या म्यूज़िक में हो, हर अच्छा, चीज़ में उनका बहुत गाइडेंस होता है। अच्छा, और सबसे बड़ा मैं उनको, जो भी आज मैं कुछ कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हाथ है उनका, बहुत बड़ा योगदान है मुझे सपोर्ट करने में या मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाने में, सबसे बड़ा हाथ में दीपिका मैम और रावतार सर का ही। आप उन्हीं को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और
उन्हीं के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं, जो चीजें वो बताते हैं उसी को आप फॉलो करते हैं। ये मेरी किस्मत है कि वो मुझे बताते, उनने इस लायक समझा कि मुझे कुछ बताते, ये मेरी किस्मत है, मैं इसको समझता हूँ, मेरा नसीब है कि वो मेरी जिंदगी में है। और वही है कि मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं, आप मेरे साथ साथ हैं ये भी तो कुछ कम नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, तो सही बात, मेरे लिए राम अवतार सर, मैं क्या ही बोलूँ। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ है, जब आप संगीत घराने से नहीं हैं, तो एक सवाल यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, जिन घरानों में संगीत की तालीम दी जाती है, इसमें बच्चों को सीखने का कितना मौका मिलता है? देखिए, घरानों के बच्चों, पहली चीज़ तो यह है कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस घराने से आपके पापा या कोई ख़ानदान में है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जीन्स आप में भी आएंगी। ऐसे ऐसे लोग भी देखें जो अच्छे अच्छे घराने से हैं, लेकिन जो उनके बुज़ुर्ग लोगों ने जो किया है वो उस मुकाम को नहीं हासिल कर सकते। इसकी वजह यह है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है, उनको इस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता नहीं होता है। जैसे हम मैं जाता था भोपाल सलीम अल्लाह वाले सर के पास सीखने जाता था मैं, या राजगढ़ जाता था, तो चार चार घंटे का ट्रैवलिंग हम लोग करते थे। सुबह 6 बजे निकले, 10 बजे पहुँचे, और 11 बजे से क्लास अटेंड करना, 1 घंटे की क्लास सिर्फ, और चार चार रोड भी उस टाइम ख़राब था, तो हमें उस चीज़ की कीमत पता थी कि एक एक मिनट हमें कैसे सुनना है। और क्या हम फ़ोन में हमारी अलग रिकॉर्डिंग चलती थी, कान में जो रिकॉर्ड हो रहा है वो तो हो ही रहा है, फिर उसको बस में आते आते सुन रहे हैं, तो वो उस चीज़ का हमें कीमत पता होती है। उन लोगों को क्या होता है कि उस चीज़ की कीमत पता नहीं है कि कितना मुश्किल से संगीत से, क्योंकि उनको तो वो मिल ही रहा है, तो इसलिए उनको वो कीमत मालूम नहीं होती, और वो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा कर पाते हैं। फिर कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही होता है। इसकी वजह वही हुई ना कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, बस वही उसका सबसे मेन वही है, वही है। लेकिन आपने जो दिक्कतें उठाई, जितनी मुश्किलात उठाई, क्योंकि आपने बताया कि भाई सुबह आप लोग निकलते थे सलीम अल्लाह वाले जी, जो आपके गुरु रहे हैं भोपाल, जब जाते थे, तो एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि भाई स्कूलिंग आपने बिल्कुल तर्क कर दी थी गज़ल गायकी की तरफ जब आपका रुझान हुआ, या फिर सलीम अल्लाह वाले साहब से जब आपने संगीत सीखना शुरू किया तब आप स्कूल नहीं जाते थे? गाने का शौक़ तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन 10th जैसे ही कंप्लीट हुई तो सब लोगों ने बोला कि अभी 11th है, बोर्ड हो गई, अब 11th में हम लोग को रेस्ट करना है, मतलब मज़े करना है। तो हारमोनियम मुझे आता नहीं था, सिर्फ गाता था और सुनता था। उस टाइम फिर क्या हुआ कि सभी लोग कोई स्पोर्ट्स में जाता था, कोई क्या जाता, तो मैंने सोचा कि हम लोग इसको हारमोनियम पेटी बोलते हैं, जी जी बिल्कुल, गांव में पेटी बोलते हैं, तो हमने सोचा कि यार अपन ऐसा करते हैं कि ढोलक पेटी बजाते हैं, इधर जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि कान में सुर तो था ही सही, समझ नहीं थी, सुर था। और 11th में इतना ज़्यादा हो गया इंटरेस्ट कि पता ही नहीं चला कि ये ज़िंदगी बन जाएगी, संगीत ही ज़िंदगी बन जाएगी, पता नहीं चला। और उसकी एक वजह यह भी रही कि राहुल लश्करी एक हमारे मेरे गुरुजी के पोते हैं, वो साथ थे, वो तबला बजाते थे, तो उनके साथ साथ ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ बहुत मज़ा आता है, पढ़ाई से थोड़ा सा बायकॉट कर लिया थोड़ा सा। और उसकी वजह ये थी कि उसका अंजाम ये निकला कि 11th में मेरी सप्लीमेंट्री आई, तो राहुल भैया ने मुझे बधाई भी दी थी कि अब तुम प्रोफेशनली मतलब ये काम में आ गए हो अब तुम। अच्छा, तो उसी दौरान पढ़ाई से हल्का सा रुझान हटा था, लेकिन 12th में तो और भी हो गया था। फिर मैंने कहा अभी ये चीज़ कर ही रहे तो इसको अच्छे से, फिर उस टाइम से सीखना, बकायदा सीखना शुरू किया। बिल्कुल, तो चलिए, जब हम जिक्र करते हैं आपके उस्ताद सलीमुल्लाह साहब का, तो उन्होंने क्या रागें आपको सिखाई, या फिर क्या बंदिशें आपको बताई, या फिर फ़न की बारीकियों का जो आपको सिखाया है उस बारे में, और कुछ अगर चीज़ें आप सुनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुनाएं हमारी ऑडियंस के लिए। सलीम सर का ऐसा था कि मैं ब्यावरा में रहता था, तो एक बार उनका ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन होता है, तो उनने मुझे बुलाया था, मैं उनके पास एक डेढ़ साल के लगभग उस पीरियड में मैं उनके पास सीखा हूँ। क्लासिकल तो मैंने यहाँ से सीखता ही था, उनके पास बस गज़ल की बारीकियाँ, हाँ वही, तो गज़ल की बारीकियों के लिए मैं हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन जाया करते थे ट्रैवलिंग करके हम लोग, और
उनके साथ उठने बैठने से ही हमें बहुत फ़र्क, मतलब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, लेकिन वही है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन पे होता था कि वो कैसे गा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हर चीज़ कॉपी करने की कोशिश करते थे। और उस टाइम सबसे पहली जो उनने मुझे गज़ल सिखाई थी, एक मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जिसने सूरज की तरफ गौर से देखा होगा, जिसने सूरज की तरफ गौर से देखा होगा, उसकी अंधेरा होगा, जिसने सूरज की तरह। ये थी पहली गजल। गजल इसमें उनने बारीकियां, मैंने गाई थी उनसे, लेकिन गजल तो मैं गाता ही था, लेकिन बारीकियां कब किस सुर पे कितना ठहरना है, कितना वजन, ये गजल में जब उनने मुझे गा के बताई तब समझ में आया कि ये असली गजल गायकी तो ये होती है, क्योंकि इतना डीप तो हम लोग गए नहीं थे इस टाइम। सही बात है जी। हाँ, क्योंकि आपको ऐसे गुरु भी नहीं मिले। हाँ, लेकिन सिर्फ क्लासिकल आपने सिर्फ क्लासिकल सीखा था, और गजल एक सब्जेक्ट अलग है। हाँ, बिल्कुल हटके उसकी, उसमें जो फन की बारीकियां होती है वो प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन जी, जी। और हर उस्ताद का अलग अलग सिखाने का ढंग होता है। वैसे सलीमुल्लाह साहब ने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई। चलिए, और भी हमारे गुरुओं का हम जिक्र करेंगे जी। थोड़ा सा आपको रोकता हूँ मैं जी, ठीक है? तो नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube और Facebook पर आप सियासत टीवी का रास्ट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। YouTube पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं गज़ल की दुनिया का पुरनूर सितारा, जिन्हें आप और हम दिवाकर मीना के नाम से जानते हैं, इस वक्त मौजूद हैं। ब्रेक से पहले आपने कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा दिवाकर, वो ये कि गज़ल सुनने वालों की एक अलग ऑडियंस होती है, वो तो आप मानते हैं। बिल्कुल। दूसरा संगीत यानी शोर शराबे वाला संगीत भी आ गए हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि गज़ल का जो सहर था कहीं ना कहीं मान पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वो अभी गज़ल को और आगे ले जा रही है, और हर चीज़ के अपने पर्टिकुलर लिसनर्स हैं। आप देखिए, ध्रुपद के भी अलग लिसनर्स हैं, और ध्रुपद को तो फॉरेनर्स लोग, देखिए जो जिनको हिंदी समझ में तक नहीं आती वो लोग भी अपना रहे हैं। तो इंडियन म्यूज़िक का जो जो क्लासिकल कह लीजिए या गज़ल कह लीजिए, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि हम जैसे बच्चे, और मैं देखता हूँ कि हमसे भी छोटे छोटे अभी इतने अच्छे गज़ल को गा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हर चीज़ के लिसनर्स अलग अलग हैं, बस फ़र्क है कि किसको क्या पसंद आता है, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से है। वो गज़ल का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। अच्छा जी, लेकिन एक चीज़ है ना दिवाकर, के भाई गज़ल अगर आपको सुनना है या उसकी बारीकियां जानना हो तो उर्दू का आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गज़ल भी दो प्रकार की मैं मानता हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कि एक होती है ख़ास गज़ल जो टिपिकल उर्दू में होती थी, बेगम अख्तर जी गाती थी या इकबाल बानो, खासा मेहदी हसन साहब की कुछ गज़लें, लेकिन उनको सिंप्लीफाई करके एक आम गज़ल भी होती जो जगजीत सिंह साहब, पंकज उदास साहब, इन लोगों ने अपनाया। तो समझने वालों का ये है कि सिंपल पोइट्री हर एक को पसंद आती है,
और उर्दू आजकल इतने जानने वाले तो है नहीं है, क्योंकि फास्ट एंड फॉरवर्ड हो रहा है ज़माना, तो कोई इतनी मशक्क़त नहीं करता कि किसी वर्ड का उसको मीनिंग समझ में नहीं आया तो वो डिक्शनरी में खोजे या देखे। तो जो ऑन द स्पॉट समझ में जाता है बस वही उनको आ गया। तो ये इसके इसका कह सकते हैं कि दारोमदार कलाकार पे होता है कि आपको किस तरीके से परोसना है, आपको सिंपल लैंग्वेज में परोसना है या हार्ड, तो वो कलाकार के ऊपर डिपेंड मानता हूँ मैं उस चीज़ का, कि आपको देखना है माहौल कैसा है। अच्छे लिसनर्स हैं तो आप सुना ही सकते हैं अच्छी पोइट्री बेशक। लेकिन एक बात है, जहाँ आपने पंकज उदास साहब का जिक्र किया तो आपकी लाइफ में भी उनका बहुत अहम रोल है। बिल्कुल। तो हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताइए कि आपके साथ जो उनका साथ रहा और आपको जो उनका सपोर्ट मिला उस बारे में आप ज़रूर बताइए। पंकज उदास सर का तो सपोर्ट बहुत बड़ा रहा है। एक्चुअली खजाना फेस्टिवल होता है इंडिया का सबसे बड़ा गज़ल फेस्टिवल मुंबई में, और उसमें सारे जितने भी अच्छे अच्छे गज़ल आर्टिस्ट हैं, दो दिन का फेस्टिवल होता है वो। तलत अजीज़ साहब, अनूप जलोटा जी, कौशिक चक्रवर्ती जी, सोनू निगम जी भी होते हैं उसमें, हर साल होता है। तो पंकज उदास जी ने मुझे भी इनवाइट किया था एज ए गेस्ट आर्टिस्ट, तो वो मेरे लिए सपने जैसा था, क्योंकि अच्छा। एक छोटी सी जगह से हम लोग थे, कभी मुंबई देखा भी नहीं था उस टाइम। तो उनका योगदान यह है कि मुझे उनने पेश किया ऐसी ऑडियंस में, क्रीम ऑडियंस जिसको बोलते हैं, तो एक प्रमोशन था मेरे लिए। तो वो सपने जैसा था कि इतने लेजेंडरी लोगों के साथ मंच शेयर करने का मौका मिल रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है नई चीज़, तो वो एक्सपीरियंस तो अनफॉरगेटेबल था मेरे लिए और हमेशा ताज़ा रहेगा। अच्छा, लेकिन उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी 20 साल की उम्र थी उस टाइम। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि आपने क्या चीज़ें सुनाई खजाना जो इवेंट हुआ था, फेस्टिवल हुआ था जी, उसमें मैंने राम अवतार सर की एक कॉम्पोजिशन सुनाई थी। अच्छा, जो मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा गाता भी हूँ उसको, तो वही सुनाता हूँ मैं। राम अवतार सर की कॉम्पोजिशन है और तस्नीम जौहर जी हैदराबाद की हैं, उनका कलाम है। बहुत ज़बरदस्त। तो वहाँ पर जो सिंगर्स थे उनमें आपको जो दास से नवाजा जी, जैसा पंकज जी ने तो आपको खैर मौका दिया था, साथ साथ बहुत सारे आर्टिस्टों ने आपको सुना होगा जी। बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, तो सारे लेजेंडरी लोग। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबको सुनने का मौका मिलता है और सबसे बड़ी बात उनको पर्सनली जानने का मौका, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों के साथ रहने से ही या उनको एक कह लीजिए देखने से ही, क्योंकि उनकी हर चीज़ पे नज़र होती है हम लोगों की, तो क्योंकि ये पड़ाव ऐसा है कि हमें सीखना ही है। तो अच्छे आर्टिस्टों के गायकी के अलावा भी बहुत सारे गुण होते हैं जो सीखने के लिए होते बेशक, हैं बेशक सही बात, क्योंकि आर्टिस्ट तो मुझे लगता है कि बन ही जाता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना या ये ज़रूरी है बेशक। तो वो देखा इस मुकाम पर होने के बाद भी वो लोग इतने झुके हुए होते हैं, हम लोगों से भी इतना प्यार से बात करते हैं, तो बस ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उनसे। लेकिन जिस वक्त आपने जिक्र किया कि आप 20 साल की उम्र में जी, जब आप परफॉर्म कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों का क्या तासुर था उस टाइम? सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन था वो मेरे एज का ही था, क्योंकि फन में तो अच्छे अच्छे वहाँ पे थे ही, लेकिन एक एज का जो एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो
क्योंकि मैं 20 साल का था और पंकज सर ने मुझे इंट्रोड्यूस भी इसी अंदाज में किया था, क्योंकि छोटी सी एज में अगर कोई अच्छा कर रहा है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनको कुछ दिखा ही होगा तब उनने आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मैं इतना दूर मुंबई पहली बार ही गया था उस टाइम। तो हमारे क्षेत्र के भी कुछ लोग थे, उनको बड़ी खुशी हुई कि मैं इस उम्र में वहाँ पर खजाना फेस्टिवल में गा रहा हूँ। बेशक, तो बड़ा अच्छा लगा। चलिए, आप इसी तरीके से परफॉर्म करते रहें और दुनिया देखती रहे आपको, और फ़न की बारीकियाँ और सीखते रहें और सीख भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा दिवाकर, वो ये कि कौन सी राग शायकीन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं? राग यमन सदाबहार है और कोशिश हर आर्टिस्ट यही करता है कि स्टार्टिंग उससे ही करें, क्योंकि किसी वक्त आप उसको गा सकते हैं ऑल टाइम। तो वो राग बहुत पसंद आता है और पुराने गाने गज़लें बहुत सारे उस राग में हैं, तो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। राग यमन की ही एक गज़ल लूँगा। बिल्कुल, तो मैं आपको एक छोटा सा नीमारे गरे नीले गमदनी मनी पासान पारे गरे दनी गसान रंजिशी से दिल ही दुखाने अगर हम फिल्मी गाने का जिक्र करें तो यमन में बनाई गई कोई धुन, जब दीप जले आना जब शाम ढले संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार बिसरा दीप जले जब शाम ढले। दिवाकर, अगला सवाल यह है कि जिंदगी की दौड़ धूप में कभी रियाज नहीं होता, ऐसे में आप क्या करते हैं और क्या करना होगा? रियाज तो बहुत ही जरूरी है, जैसे रोज हम खाना खाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं बॉडी को फिट रखने के लिए, इसी तरीके से गले को फिट रखने के लिए भी कुछ वोकल एक्सरसाइजेज होती हैं। और चाहे कितनी भी भाग दौड़ हो, लेकिन ये होता नहीं, कलाकार तो चलता फिरता गाता ही रहता है, उसका रियाज चलता ही रहता है। अब वो किसी रूप में कर ले, चाहे वो प्रोग्राम में उसका रियाज हो जाए गाने में या किसी दोस्तों के साथ महफिल में बैठा हो, लेकिन ऐसा तो मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने एक भी दिन ना गाया हो। चाहे मैं बाहर भी हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो बैठे हैं गुनगुना रहे हैं कुछ ना कुछ, सुनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रियाज है। अच्छा, तो जब गाने का या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कहीं हैं तो सुन लेते हैं, तो सुनना भी एक बहुत बड़ा रियाज है और बिना सुने तो आप कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। तो सुनना मेरे अंदाज में, मेरे हिसाब से सुनना भी एक बहुत बड़ा रियाज है, तो वो तो रोज़ होता ही रहता है। क्या बात। एक चीज़ यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर बेगम अख्तर जी की ठुमरी गाते गाते आप वेस्टर्न स्टाइल की चीज़ गाते हैं तो किस तरह की फीलिंग आती है? वो ज़मीन आसमान की फीलिंग जो हम हमारे लिए कहें तो ऐसा लगता है कि एक अलग दुनिया में थे और एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। जो लोग वो चीज़ सुनते हैं जैसे हम लोग, तो वो वहीं तक ही रहते हैं कि यही उनकी दुनिया है, ये चीज़ तक वो
पहुंच ही नहीं पाते, मैं तो अपने पर्सनली कहूं तो मुझे कभी इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया ही नहीं। करते होंगे, देखिए म्यूज़िक वही है जो आपके दिल को सुकून दे, वो आपके हिसाब से वही म्यूज़िक है। अगर आपको पॉप म्यूज़िक पसंद आ रहा है तो वो आपके लिए वही संगीत है। मुझे गज़ल या क्लासिकल मुझे पसंद है तो मेरे लिए तो वही संगीत है। तो म्यूज़िक की डेफिनेशन इतनी है कि जो आपको पसंद आए, अब वो चीज़, क्योंकि वो है प्योर देसी घी। अब देसी घी से अब मैं इसको मालता हूँ डालडा, तो अब वो स्वाद का तो फ़र्क ज़मीन आसमान में पड़ ही जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता ही होता है। नहीं, लेकिन ये तो आपका अपना मानना है जी। दिवाकर जी, जब आप ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसे लोग आ ही जाते हैं जी, जो आपको वेस्टर्न सुनाने के लिए कहेंगे या फिर कुछ जो लाइट म्यूज़िक होता है जी, जिसे हम फिल्मी गाने कहते हैं जी, क्योंकि उसमें उतनी गहराई नहीं होती, क्लासिकल का ज़्यादा टच नहीं होता जी। जब आपको फरमाइश करें तब आप क्या करते हैं? देखिए क्या होता है कि ऑडियंस एक बार आपको सुनने आई, ऑडिटोरियम में अंदर आई, तो वो आपका फ़र्ज़ बनता है। आपका टेस्ट कैसा भी हो उस पर, वो आपका है, वो आपका पर्सनल टेस्ट है। लेकिन कलाकार के पास, एक अगर आप कंप्लीट आर्टिस्ट हैं, कंप्लीट तो फिर कोई होता नहीं है, लेकिन एक वर्सटैलिटी होना चाहिए। आज के दौर में वो चीज़ होना, क्योंकि ज़माना ऐसा है कि शुद्ध घी वाले भी हैं, डालडा वाले भी हैं, तो आपको हर प्रकार से आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। तो होता ऐसा है कि गाने भी गाते हैं, अगर आप माहौल दिख जाता है कि गज़ल से वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही उनको, या आप 100 की तादाद में 20 अच्छे लिसनर्स हैं, अब 80 की तादाद तो गाने की है, तो फिर हम उस चीज़ को, उनको भी एक दो चीज़ स्टार्टिंग सुनाएंगे, लेकिन 80 लोगों का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक डिमांड पर होता है आजकल का प्रोग्राम, तो उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। आपका टेस्ट कैसा भी हो, वो कोई मायने, आपको टेस्ट का मज़ा लेना नहीं है, बल्कि ऑडियंस को जो टेस्ट चाहिए वो देना ही देना है। बिल्कुल ज़रूरी है, वो ज़रूरी, क्योंकि आप आर्टिस्ट बने हैं। बिल्कुल, तो आपके पास हर एक जॉनर की चीज़ें होना चाहिए, और आप मैदान में निकले हैं तो आपके सारे शस्त्र होना चाहिए आपके पास। अच्छा, तो वो ज़रूरी है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आजकल सूफी का चलन बहुत ज़्यादा आम है, तो सूफी भी आप गाते होंगे? बिल्कुल, आप अगर सुना दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने तेरी आँखों में पढ़ा अल्लाह ही अल्लाह, मैंने तेरी आँखों में पढ़ा अल्लाह ही अल्लाह, मैंने तेरी आँखों में पढ़ा अल्लाह ही अल्लाह, मैंने तेरी अल्लाह ही अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। थैंक यू। दिवाकर मीना जी, एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि आजकल लाइट क्लासिकल में गाई हुई गज़लों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि क्लासिकल का भी एक रंग होता है। बिल्कुल, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले के लोग, अब लाइट क्लासिकल और क्लासिकल में फ़र्क इतना होता है कि क्लासिकल को सुनने के लिए भी एक स्तर चाहिए होता है, श्रोता के पास एक स्तर, एक लेवल होना चाहिए माइंड का। और पहले के लोगों के पास ना इतना समय भी था, ये यंत्र नहीं आए थे अपने फ़ोन वोन, तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं था लाइफ में। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, तो फास्ट फूड जितना जल्दी हो सके, आज कोई सीखने भी आता है, मैं देखता हूँ कि हमारे गुरुजी के पास, तो वो ये नहीं बोलते हैं कि हमें क्लासिकल सिखाओ, वो ये बोलते हैं कि ये गाना सीखना है। तो ज़माना इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है कि लोगों को जो फर्स्ट क्लिक में जो समझ में आ गया बस वही सुनते हैं, और डीप क्लासिकल सुनने के लिए एक अलग माइंड सेटअप और स्तर चाहिए, वो आजकल के लोगों में है ही नहीं। इसी वजह से लाइट क्लासिकल जो हल्का फुल्का म्यूज़िक है, हल्का फुल्का म्यूज़िक जिसको बोल सकते हैं, जो हर एक की समझ में आए। दिवाकर जी, अभी वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि और भी बहुत सारी बातें आपसे की जा सकें, लेकिन चलते चलते आखिर में जो नौजवान इसको अपना कैरियर के तौर पर
चुनना चाहता है बिल्कुल उन युवाओं के लिए, क्योंकि आप खुद युवा हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप नौजवान हैं, सीख ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए आपकी क्या तजवीज रहेगी जरूर बताइए। मेरा कहना बस इतना है कि क्लासिकल, अगर आप गजल या इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो क्लासिकल बहुत ज़रूरी है और अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सुनेंगे तो ही अच्छा गाएंगे। और सब्र सबसे जो मेन चीज़ है हमारी एज में, क्या होता ना कि एक, अब मुझे भी नहीं पता कि मुझ में कितनी सब्र है या नहीं है, वो तो आप लोग जब देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है। बाकी सब्र बहुत, क्योंकि आप फटाफट नहीं सीख सकते ये, और आजकल तो ये ऐसा हो गया है कि फटाफट ही चाहिए हर चीज़, तो वो पॉसिबल नहीं है। बस अच्छे गुरु मिले आपको, अच्छे गुरु से अच्छी तालीम और बस मेहनत। सही बात है। तो बहरहाल आखिर में कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती हो वो ज़रूर सुनाए। बिल्कुल। दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुझे देखा जान से वारी है। अपने गुरुजनों के लिए शेयर करूंगा। क्या पेश करे तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करे तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा वाह। wow, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट के बी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।